हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इग्नू असाइनमेंट्स की। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है एमकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे IBO 03 इंडियाज फॉरेन ट्रेड की असाइनमेंट्स के क्वेश्चन। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी पहले सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अपकमिंग वीडियोस में हम आपके लिए लाएंगे हर एक सब्जेक्ट की असाइनमेंट्स की पूरी डिटेल, जिससे आपको असाइनमेंट्स बनाना इजी हो जाएगा और आप टाइमली असाइनमेंट्स की कंप्लीशन कर पाएंगे। जिन स्टूडेंट्स को असाइनमेंट बनाने का काम बहुत ही टफ लगता था, पता ही नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन कौन सी यूनिट में हमें मिलेगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको हर एक क्वेश्चन की जो यूनिट है वो यूनिट नंबर आपको पता चल जाएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, एन्यूमरेट वेरियस आइटम्स टू बी इंक्लूडेड इन बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग। ये जो क्वेश्चन है यूनिट नंबर 2 में आपको मिलेगा। सबसे पहले आप बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिफरेंस बताएंगे, उनके बीच का जो अंतर है आपको वो बताना है। उसके बाद आप बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग को पूरा डिटेल में बताएंगे और साथ ही साथ उसके अंदर क्या क्या आइटम्स हम इंक्लूड करते हैं वो सभी आप उसकी डिटेल इस क्वेश्चन के अंदर लिखेंगे। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज, वॉट इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन? Describe the benefits and facilities provided to the units located in special economic zones. ये क्वेश्चन आपको यूनिट नंबर 7 में मिलेगा। सबसे पहले तो आप SEZ का इंट्रोडक्शन देंगे, स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन से मीनिंग डेफिनेशन सब कुछ SEZ के बारे में बताएंगे। उसके बाद जो भी यूनिट्स SEZ के अंदर लोकेटेड हैं उनको क्या क्या बेनिफिट्स और फैसिलिटीज मिलती हैं वो आप डिस्क्राइब करेंगे। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज, डिस्क्राइब द गवर्नमेंट्स मेजर टू एनहांस एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में आपको मिलेगा इसका आंसर, जो कि है यूनिट नंबर 8। गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, क्या क्या मेजर्स हैं एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट को बढ़ाने के, इंडिया से एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट करने के, ये सभी मेजर्स आपको डिस्क्राइब करने हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज, राइट शॉर्ट नोट्स। दो आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। फर्स्ट इज स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस आप प्लस वन से पढ़ते आ रहे हो, ओके? तो ये आप स्वॉट एनालिसिस आराम से लिख सकते हैं। स्वॉट मींस एस फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू वीकनेस, ओ अपॉर्चुनिटीज एंड टी थ्रेट्स। नेक्स्ट इज इंडो यूएस ट्रेड प्रॉस्पेक्ट्स। इंडो यूएस वाला चैप्टर यूनिट नंबर 16, वहां से आप इसकी डिटेल निकाल कर लिख सकते हो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, कमेंट ब्रीफली ऑन फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको उनके ऊपर कमेंट करना है। ये स्टेटमेंट्स चैप्टर्स में से ही उठाई गई हैं। फर्स्ट इज, ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन ब्रॉडली मीन इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज विद द वर्ल्ड। ये जो स्टेटमेंट है ये यूनिट नंबर 3 में से ली गई है और टॉपिक है इशूज इन वर्ल्ड ट्रेड, उसकी ये लाइन है। नेक्स्ट इज, इंडस्ट्रियलाइजेशन इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ये स्टेटमेंट मिलेगी आपको यूनिट नंबर 6 की स्टार्टिंग में ही। स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ है उसकी फर्स्ट लाइन है, आपको इस पर कमेंट करना है। सी पार्ट इज, इंडिया इज अ ट्रेडिशनल एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल्स टू वेरियस ग्लोबल मार्केट्स। जो टेक्सटाइल वाला चैप्टर है यूनिट 9, उसके अंदर ये मिलेगा आपको टॉपिक इंडियन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट। एंड डी पार्ट इज, US is the leading exporter and importer in the world. Unit number 16, इसके अंदर टॉपिक है foreign trade of USA. यहाँ पर आपको ये टॉपिक ईजिली मिल जाएगा। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया IBO 3 का असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर। आई होप आपको यूनिट नंबर जानने के बाद असाइनमेंट बनाने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किसी और सब्जेक्ट का असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर सच यूजफुल कंटेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।